हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश और मैं आप सबका स्टडी शार्प 360 में स्वागत करता हूँ। आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि IDBI ने एक इस बार ये PGDBF का भी नोटिफिकेशन निकाला है, जिनका असिस्टेंट बैंक में सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेंस क्वालिफाइड नहीं हुआ है और जिसके SBI के एग्ज़ाम्स भी उतने खास नहीं गए प्रीलियम के, उसके लिए यह बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है। ये PGDBF का जो कोर्स होता है वो मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए है। ये टोटल 1 साल का कोर्स रहेगा और उसके बाद आप IDBI में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। ओके, तो 1 साल आपको ये कोर्स करना पड़ेगा उसके लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको असिस्टेंट बैंक असिस्टेंट मैनेजर जैसी पोस्ट अगर मिल रही है तो। IDBI जो है अभी 51% उसमें हिस्सेदारी LIC की है, पर LIC भी तो गवर्नमेंट की है, इसलिए IDBI मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक ही है, ऐसा आप बोल सकते हो। भले भी कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइवेट है, पर तो ये जो नोटिफिकेशन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 1 जून तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मतलब जो अभी फाइनल ईयर में अपीयर है वो अगर 1 जून तक अगर कंप्लीट हो जाता है उनका ग्रेजुएशन तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन के ऊपर ही है ये वैकेंसीज, मिनिमम एज 21 होगा ही और मैक्सिमम 28 लिखा हुआ है। और जो SC कैटेगरी के है या ST के लिए, SC ST, उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 ईयर्स का। और एग्ज़ाम का डेट जो है वो 21 जुलाई होने वाला है। 21 जुलाई मतलब बहुत ज़्यादा दिन तो अब बचे नहीं है, तो आपको अभी से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके, और टोटल मिलाकर इसमें 600 वैकेंसीज है और जनरल कैटेगरी के लिए 273 है, उसमें से SC के लिए 90, ST के लिए 45 और इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए 30 और OBC के लिए 162 और बाकी PWD के लिए 6 6 6 6, VHOH, HH, MD, IID के लिए। ओके, तो ये सब आपको नोट डाउन करना होगा। कट ऑफ डेट मतलब मैंने बताया कि 1 जून 2019 तक है ये, तब तक कंप्लीट होना चाहिए। फॉर्म जो है वो कब से चालू होंगे वो नोटिफिकेशन में अभी तक दिया नहीं है, पर 1 2 दिन में IDBI के जो वेबसाइट है वो आप चेक कीजिए, उसमें आ ही जाएगा कि फॉर्म कब से भरने चालू होंगे वो। और एग्ज़ाम की डेट उन्होंने दे दी है 21 जुलाई दे दी है, और यहाँ पर तो फिर 21 मिनिमम एज, 28 मैक्सिमम एज और ये ग्रेजुएशन 1 6 तक कंप्लीट होना चाहिए। एग्ज़ाम फीस जो है वो 150 रहेगी SC ST और PWDs के लिए, और OBC और जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपये रहेगी। और एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन 60 मार्क का, 60 क्वेश्चन, और इंग्लिश के लिए 40 मार्क के लिए 40 प्रश्न, और मैथ का भी वैसे ही 40 मार्क के 40 प्रश्न, और GA के 60 मार्क 60 क्वेश्चन। मीन्स जो असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ था अभी पिछले महीने में, मई में, उसमें जो पैटर्न था वही पैटर्न है इसमें पूरा, और टाइम जो है 2 आवर्स का रहने वाला है। ओके, तो बिल्कुल उसी तरह का पेपर रहेगा, सिर्फ इतना है कि इसमें कट ऑफ उससे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जॉब के लिए नहीं है, ये 1 साल का ये PGDBF कोर्स है। और इसमें प्रोग्राम फीस रहने वाली है टोटल ₹3,50,000, मीन्स 3.5 लाख रुपए। और उसके अलावा कुछ GST लगेगा आपको, 18% लग सकता है, मीन्स 18 अधिक 54 और 9 61, तो 4 लाख के ऊपर आपको फीस लग सकती है इसके लिए। और उसके अलावा कुछ एग्ज़ाम फी वगैरह, पर ये जो है उस सब के लिए आपको बैंक लोन प्रोवाइड करेगा,
और वो लोन आपको फिर आप बाद में सैलरी में से कट करके देना है, और कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिलता है तो फिर आप आसानी से ये 3-4 लाख का जो लोन लेंगे वो पेड कर सकते हो। और कोर्स के दरम्यान जो 1 साल का कोर्स रहेगा तो 9 मंथ ये कोर्स रहेगा, तब आपको 2,500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा हर महीने, और 3 महीने इंटर्नशिप रहेगी तब आपको 10,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। और जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की जगह पर ले लिया जाएगा IDBI में। और PO के असिस्टेंट मैनेजर मीन्स PO के लिए जो मिनिमम पेमेंट होता है 23,700 पर मंथ, जो बेसिक पे है उतना मीन्स अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपीज़ इतना इन हैंड मिलेगा आपको ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद पेमेंट, जब आप असिस्टेंट मैनेजर की जगह पर सिलेक्ट हो जाओगे तब। और इसके अलावा और भी कुछ आपको एक्स्ट्रा के अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे कि मेडिकल अलाउंस वगैरह या फिर जो कुछ भी अलाउंस होता है PO को वो सब मिलेंगे। तो अगर आपको ये जॉब अच्छा लगता हो, मतलब 1 साल आप रुकने के लिए तैयार हो, IDBI का असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए हो, या फिर SBI के एग्ज़ाम्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें नहीं होगा, या फिर अगर हुआ तो नहीं है अब तक पर अगर आपको ज़रूरत है जॉब की तो आप ये फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिए। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी शाप्री 60 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, या फिर बीच में जो हमारे चैनल का लोगो आया होगा उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप अगले वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय।